एन महेश कर्नाटक स्टेट में बीएसपी के पहले मंत्री अपनी सादगी तथा समर्पण के लिए जाने जाते हैं। पहली बार दक्षिण भारत से बीएसपी के कोटे से मंत्री बनने का अवसर एन महेश को प्राप्त हुआ। उन्होंने जय भीम, जय बुद्धा एवं जय बसेश्वर से नाम से मंत्री पद की शपथ ली। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया। अपने ऑफिस में भगवान बुद्ध, बसवअन्ना तथा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें लगाई। एन महेश के मंत्री बनने के कारण बसपा के कार्यकर्ता काफी खुश है। मंत्री बनते ही शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी सुधार लाने का कार्य एन महेश ने शुरू किया। एक कार्यकर्ता से मंत्री बनने का एन महेश का सफर काबिले तारीफ है। शिक्षा क्षेत्र में कुछ कर गुजरने की उनकी तमन्ना एवं जुनून के चलते मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने उन्हें शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा दिया। एन महेश की विज्ञानवादी सोच, प्रेरक व्यक्तिमत्व, समर्पण वृत्ति तथा कार्य कुशलता से मशहूर अभिनेता प्रकाश राज भी प्रभावित हुए। उन्होंने बीएसपी के इस मंत्री से मिलकर उन्हें मंगल कामना दी एवं कई बार विषयों पर चर्चा भी की। प्रकाश राज दक्षिण के जाने माने अभिनेता है। वे अपनी निडर सोच तथा एक प्रखर व्यक्तिमत्व के धनी है जो हमेशा जात धर्म से परे इंसानों के बारे में सोचते हैं। ऐसे दो महान लोगों का मिलना सकारात्मक राजनीति के संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया टीवी, बैंगलोर, कर्नाटक। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखें यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज़।